गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास वन। आज हम लोग हिंदी पुस्तक वाटिका में पेज नंबर 67 में अ वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने ओ वर्ण के बारे में पढ़ा और उससे चिन्ह से शब्द बनाना सीखा। आज हम लोग अ वर्ण के बारे में पढ़ेंगे और अ वर्ण जो है उसका जो ये मात्रा चिन्ह होता जो है वो इस प्रकार होता है, और इस चिन्ह का प्रयोग जो है व्यंजन वर्ण में लगाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। यहाँ पे अ है, अ के मूल रूप से कुछ यहाँ पे शब्द बनाए गए हैं, जैसे आ में अ र और आ में अ जा में अ र औजार, आमे ओ लामे अ और द औलाद। इस प्रकार आमे ओ रत औरत, इसी प्रकार ओ में आमे ओ श अध औषध। ये ओ के मूल रूप से कुछ शब्द बनाए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पे ओ की ये मात्रा चिन्ह से यहाँ पे कुछ शब्द बनाए गए हैं, जैसे जैसे यहाँ पे है ज में अ जौ, नामे ओ नौ, सामे ओ सौ, लामे ओ कामे बड़ी, क्या बन गया लौकी, दामे बड़ी ओ र क्या बन गया ये दौड़, बामे ओ नामे आ क्या बना ये बौना। इसी प्रकार गामे ओ रामे बड़ी गौरी, कामे ओ न कौन, मामे ओ न मौन, मामे ओ जा मौज, कामे ओ रा कौर, नामे ओ कर नौकर। अब यहाँ पे इसके चिन्ह से यहाँ पे शब्द बनाए गए हैं, और किसी भी शब्द को बनाने के लिए हम यहाँ पे सीधे अ वर्ण का प्रयोग नहीं करते, हम इसके चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे कौवा है तो कौवा में हम ये अ वर्ण का प्रयोग ना करके इसके चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तब ये शब्द बनेगा सही शब्द कौवा। इसी प्रकार यहाँ पे है न अ का नौका, लेकिन यहाँ पे हम इसके मूल रूप का प्रयोग न करके यहाँ पे हम उसके मात्रा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तब यहाँ पे क्या बन गया ये नौका। यहाँ पर इसके बाद पेज नंबर यहाँ पे आप देखेंगे 68 यानी में यहाँ पे कुछ शब्द बनाए गए हैं अ के मात्रा चिन्ह से। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है पढ़े। यहाँ पे आप लोगों ने चित्र में यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे चित्र में, अब ये चित्र में देखेंगे क्या क्या है। तो यहाँ पे चित्र में है ये हम स्पेलिंग को पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा प का में ओ ड़ा में ए, तो क्या बन गया ये पकौड़े, यानी ये पकौड़ा है। इसी प्रकार यहाँ पे क च में ओ ड़ा में बड़ी, क्या बन गया ये कचौड़ी। यहाँ पे ह था में अ रा में अ हथौड़ा। इसी प्रकार ख में छोटी ई ला में अ ना में अ खिलौना। उसी प्रकार ता में अ ला में छोटी ई या में अ तौलिया। इसी प्रकार यहाँ पे क्या बन गया ये पौधा, गौरैया, चौराहा। यहाँ पे जो भी लाल रंग का चिन्ह दिखाया जाए ये क्या है अ की मात्रा चिन्ह का प्रयोग कर यहाँ पे शब्द बनाए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पे अ के मात्रा चिन्ह से यहाँ पे एक छोटी सी कविता बनाई गई है जिसे मैं पढ़ रही हूँ, आप इसे याद करेंगे और अपने कॉपी में लिखेंगे। एक बार मैं इस कविता को पढ़ रही हूँ। यहाँ पे क्या है कविता का नाम मौली मौसी। मौली मौसी जल्दी आना, मेरे लिए खिलौने लाना, काला कौआ छोटी गौरैया, नौ बौने और बड़ी सी नैया। यहाँ पे कविता को फिर से मैं दोहरा रही हूँ। मौली मौसी जल्दी आना, मेरे लिए खिलौने लाना, काला कौआ छोटी गौरैया, नौ बौने और बड़ी सी नैया। तो यहाँ पे इस कविता में क्या है आप लोग यहाँ पे देख रहेंगे कि सब में जितने भी शब्द बने हैं कुछ ऐसा शब्द जिसमें अ की मात्रा चिन्ह का प्रयोग किया है, जिसको यहाँ पे लाल कलर से दर्शाया गया है। इसे आप देख रहे हैं इसमें ओ की मात्रा चिन्ह का प्रयोग हुआ है और यह शब्द बना है।
इसके बाद यहाँ पे दिया है पेज नंबर 69 में अभ्यास। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि अवर्ण और अवर्ण के मात्र चिन्ह को आप लोगों ने पहचान लिया। अब यहाँ पे प्रश्न क्या है कि अवर्ण पर गोला लगाए। अवर्ण आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अवर्ण यहाँ पे कुछ शब्द बनाए गए हैं और ये शब्द को पढ़ना है। जैसे यहाँ पे औरत है, औषध है और औजार। तो यहाँ पे अवर्ण का प्रयोग कहाँ हुआ है उसके मूल रूप का, तो यहाँ पे है औरत में, यहाँ पे ओ, यहाँ पे आप इसे गोल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे औषध में यहाँ पे ओ का वर्ण का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यहाँ औजार में यहाँ पे इस अवर्ण का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे आप इसे गोल करेंगे। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 में ओ की मात्रा पर गोला लगाए। ओ की जो मात्रा चिन्ह है उसका प्रयोग कहाँ हुआ है इस पर आप लोगों को गोला करना। जैसे यहाँ क्या है गौरैया, तो यहाँ पे ग में ओ की मात्रा चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे इस प्रकार गोल करना है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है ये फौजी, तो फ में ओ की मात्रा चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे गोल करना है। इसी प्रकार यहाँ पे पकौड़े, तो यहाँ पकौड़े में क में ओ की मात्रा चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसे यहाँ पे गोल करना है। इसी प्रकार यहाँ पे खिलौना में ल में ओ की मात्रा चिन्ह का प्रयोग हुआ है और इस प्रकार इसे यहाँ पे गोल करना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पे दिया है कि ओ के स्थान पर ओ की मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। अब यहाँ पे ये चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, पौधा, तो पौधा जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो ओ जो है वर्ण इसके जगह पर हमें उसके सिर्फ मात्र चिन्ह का प्रयोग कर शब्द बनाना है। तो यहाँ पे हम प में ओ की मात्रा चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे और ध में अ, तो क्या बन गया ये पौधा। इसी प्रकार यहाँ पे बौना है, तो बौना में हम इसको ना लिख कर उसके मात्र चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे, तब ये बनेगा बौना। इसी प्रकार कचौड़ी में च में ओ, तो यहाँ पे उसकी मात्र चिन्ह का प्रयोग करके इस प्रकार कचौड़ी लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे नौका है, तो यहाँ पे ना में ओ का में नौका, इस प्रकार इसके ओ वर्ण का प्रयोग कर हम चिन्ह का प्रयोग कर शब्द लिखेंगे। तो इस अभ्यास पेज नंबर 69 का जो ये अभ्यास है इसे आप अपने कॉपी में बनाएंगे और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।